नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं अच्छे ही होंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कार की माइलेज के साथ साथ कार की बिल्ड क्वालिटी का अच्छा होना भी कितना ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। कार की सेफ्टी और उसके बारे में अवेयरनेस आजकल के कार ओनर्स के लिए काफ़ी मायने रखता है, जिसे इग्नोर बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। इंडिया में सेफ्टी के मामले में टाटा मोटर्स एंड महिंद्रा सबसे आगे हैं। इन कंपनीज की हर गाड़ी को ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट में 4 या 5 रेटिंग की रेटिंग तो मिलती ही मिलती है। ऐसे में लोग इनकी गाड़ियों पर बेहद भरोसा करते हैं। कुछ ऐसी ही कहानी एक टाटा कार मालिक की भी है। जैसा कि आप सब जानते हैं, टाटा टियागो एक हैचबैक कार है जिसे लोग काफ़ी पसंद भी करते हैं, और ये टाटा एल्ट्रोस के बाद भारत में दूसरी सबसे सुरक्षित हैचबैक कारों में से एक है, और ऐसा टियागो ने एक बार फिर साबित करके भी दिखाया है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सड़क हादसे में ये कार 4 बार पलटी, लेकिन फिर भी गाड़ी में बैठे लोगों को एक खरोच के अलावा कोई और चोट नहीं लगी। एक्सीडेंट का शिकार हुए टाटा टियागो के ओनर सत्यप्रकाश रेड्डी ने बताया कि उन्होंने अक्टूबर 2020 में यह कार खरीदी थी, और एक दिन वह अहमदाबाद से हैदराबाद अपने दो दोस्तों के साथ ट्रैवल कर रहे थे। उनके अकॉर्डिंग उनका ध्यान सड़क पर नहीं था और गाड़ी की रफ्तार भी 100 किलोमीटर पर आवर थी। अचानक उनके सामने एक बड़ा गड्ढा आ गया जिसे वे देख नहीं पाए, और इससे बचने के लिए उन्होंने स्टीयरिंग को एकदम मोड़ दिया, जिसके कारण गाड़ी पर उनका कंट्रोल नहीं हो पाया और गाड़ी 4 बार पलटी। क्योंकि कार की रफ्तार 100 किलोमीटर थी, इसलिए उसने 4 बार पलटी खाई। चूंकि एक्सीडेंट इतना बड़ा था तो कार पूरी तरह से डैमेज हो गई और उसकी छत एकदम खत्म हो गई। उसके बाद आसपास के कुछ लोगों ने उन्हें बाहर निकाला तो वो बेहोश थे, पर जब उनको होश आया तो उन्होंने देखा कि उनके हाथ पर सिर्फ छोटे मोटे घाव थे, उनके दोनों दोस्त भी सही सलामत थे। सत्य ने बताया अगर उनके पास कोई और गाड़ी होती तो वो शायद बच नहीं पाते। इस तरह वो टाटा टियागो की सेफ्टी से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अगले महीने ही एक और टाटा टियागो खरीद डाली। हालांकि यह पहला मौका नहीं है जब किसी टियागो के मालिक ने अपनी जान बचाने के लिए गाड़ी का शुक्रिया अदा किया हो। तो इस वीडियो को देख रहे सभी लोगों के लिए ये राय है कि अच्छे माइलेज के साथ साथ अच्छी बिल्ड क्वालिटी को देखना भी उतना ही जरूरी है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ टाटा बाय बाय, शब्बा खैर, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।